I think there's a lot of confusion and conflict in every sense. But ये है कि director ने अपनी तरफ से अगर तो इसको संभाला हुआ है तो frames बड़े अच्छे बनाए, लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं, story में issues हैं. वो वाहज वाला scene that Nadia talked about, she's right, मुझे भी बड़ा, but when we come to वाहज, I'll discuss that further. बहुत sort of एक odd scene था वो. कुछ issues हैं जो हम direction की तरफ जाएंगे, writing की तरफ बात करेंगे. बट ओवरऑल इमोशनली आई एम स्टिल कनेक्टेड और मुझे इसका जो है स्टोरी लाइन और चीज़ें जो हैं काफ़ी फ्लूड लग रही हैं, कोई चीज़ फंस नहीं रही एंड आई एम स्टिल इन्जॉइंग द ड्रामा. छोटे छोटे इशूज़ लेकिन कोई बड़ा ऐसा लाइफ ऑल्टरिंग इशू मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा. फ्रेम बहुत खूबसूरत है, लाइट अच्छी है, परफॉर्मेंसेज आर गुड, स्टोरी इज़ मूविंग वेल. सम पीपल फाइंड इट स्लो, बट आई थिंक पेस वाइज बहुत अच्छी चल रही है. So I'm still going to give it a two thumbs up. पहले थी एक सहेली, काफी इनका एक स्टोरी बिल्डअप हो रहा था. ओह द वन जो हु इज इन लव विद दिस गाय, हां द वन दैट अमर वाज डूइंग, अमर खान, अमर खान चली गई. वो तो कहना चाहिए एक बिल्डअप, और वो उसमें भी है, शी इज ऑन द पोस्टर में. हां तो वो अब पता नहीं कहां कहीं चली गई है, वो वापस. शी डिड से दैट शी वाज गोइंग या, बट आई मीन टोटली आउट फॉर सो मेनी एपिसोड्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. उसके अलावा ये जो बिलाल अब्दुल्ला की जो ये एक अल्कोहलिज्म वाली कहानी है, इसका जो बैकग्राउंड है ये अब तक खुल जाना चाहिए था, जो प्रॉपरली नहीं खुला. कुछ कुछ तो कहीं इतना एम्फोसिस अभी आ गया ऑन जस्ट माया एंड द इमीडिएट फैमिली, भाई की बीमारी एंड ऑल, के वो बिलाल अब्दुल्ला वाला ट्रैक भी थोड़ा सा डायल्यूट हो रहा है राइटिंग में. तो वो भी मैं सोची थी कि पता नहीं वाई वी नॉट मूविंग अहेड विद हिज स्टोरी, कि बिकॉज वो भी ऑब्वियसली हीरो ही है ना इस पूरे ड्रामे का. तो थोड़ा स्लो लग रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन हिज लाइफ बिसाइड्स कि लड़कियां आ रही हैं जा रही हैं. मुझे राइटिंग वाइज ये लग रहा था एक पूरी एपिसोड आपने इस चीज़ में गुजारी कि वो लड़की बता नहीं रही और हर सीन में ये कह रहे हैं उससे पूछो उसने क्या बात की, उससे पूछो, तुम पूछो, नहीं तुम पूछो, तुम्हें क्या बताया, ये क्या बताया. फिर वो रिपीटेशन है, रिपीटेशन इतनी ज्यादा रिपीटेशन है कि आपको समझ नहीं आती कि वो जब मिलते हैं, अच्छा वो आप वही बातें क्या करोगे, छुट्टी क्यों ले रही हो, शॉपिंग पे जाऊंगी. हाँ ये क्यों कह रही है, ये क्यों कह रही है, ये क्यों एक कैरेक्टर अपना इतना बुरा ऐसे इमेज बना रहा है. वो कह रही है कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त रह चुकी है, मेरी जूनियर थी हीरा, जो उसके सामने कहती है बिलाल के सामने कि मेरी जूनियर थी, ये मेरे साथ रह चुकी है, अमार भी उसका दोस्त है, फिर ये मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ. मुझे कुछ राइट, आई मीन यहाँ पे ना मार्जिन देते हैं कि शायद आगे कोई कहानी खुले, वी डोंट नो क्या अभी तो, आई डोंट नो 10 एपिसोड हो, बट आई थिंक ये जो दो प्रॉब्लम, ये जो दो इशू है ना, जहाँ पे एक सहेली गायब होगी और दूसरा बिलाल अब्दुल्ला की कहानी आगे नहीं बढ़ रही, ये थोड़ा मसला है. अदरवाइज आई लाइक द ट्रैक ऑफ द छोटा भाई एंड सबा हमीद. लेकिन वही बात आप, मैं लिटरली 10 मिनट में सब खत्म हो सकती है जो बात उन्होंने बताई है हमें अब तक, कुछ भी नहीं. एक सीन वो उससे एक, अब जो डॉक्टर वाला मैं आगे तस्करा करूं, डॉक्टर के पास पहले अहमद साहब गए, ठीक है, तो माया वही बात अपनी अम्मी को भी लेके गई, वही बात कर, यानी कि इतनी दफा जब हम जर पत्तों का बंद देखते थे एक भी चीज रिपीट नहीं होती थी, अंडरस्टैंड होता था कि अच्छा ये बात इतनी से हिंट दे दिया तो ये बात हो गई होगी. उस तरह की डिटेल इतनी दफा आपके आप लिटरली रब की जाती है आपके फेस पर, राइटर रब करता है कि ये देखो दोबारा भी इस चीज को देखो कि ये सिचुएशन है, वो इतना बोरिंग हो जाता है कि आप कहानी नहीं है उसके पास, कहानी नहीं है, यानी दो एपिसोड लिटरली उन्होंने निकाले हैं. वो उससे बात छुपाई है, क्यों छुपाई है, उसमें भी जब वो सबा हमीद के साथ बैठ के कहती ना कि मैंने नहीं बताया, वो कहती क्यों नहीं बताया, क्या कि अगर कोई मुझे हौसला देता तो मैं हौसला हार बैठती, इस बात का मतलब क्या. नहीं बहुत फ्लॉज तो हैं, फ्लॉज मतलब आप अपनी इज्जत को दांव पे लगा रहे हो, आप सबके सामने एक ऐसा एक इंसान बन रहे हो जो कि 8 करोड़ रुपया ले रहा है एक ऐसे इंसान से जो कि बहुत ही अय्याश है, उसके बाद वो आके कहती है मैं शॉपिंग पे भी जा रही हूँ, वहाँ पे भी कलेक्टिव डैमेज, उसे कहा वहाँ से कि हमारा जो हमारी जो हम जो सोच रहे थे वो ऐसा है नहीं, वो सीन है माँ बेटी. हाँ, वो सीन है जहाँ वो जस्टिफाई हो जाता है कि मैं गई थी कुछ सोच के, मैं अभी, लेकिन वो ऐसा है नहीं, है नहीं. जब आपको आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, आपने ये क्यों उसको किया कि यश आदमी के सामने आप हेल्प नहीं मांगोगे, आप अपने आप को बेच दोगे, लेकिन आप हेल्प नहीं मांगोगे, और दोस्तों को गलत बात क्यों बता, दोस्तों को दोस्तों के सामने भी ऐसा, या दोस्तों को बताओ कि मैं सिचुएशन में हूँ और मैं ये करूँ तो मैं किस तरह से उसके पास जाऊँ. बिल्कुल गिव इट लिटिल बिट ऑफ अ मार्जिन के आगे जाके शायद और चीजें खुलें. आई डोंट थिंक, बट राइट नाउ आई फील द बिगर फ्लॉज आर दैट बिलाल अब्दुल्ला स्टोरी इज नॉट मूविंग अहेड. He is a main character. So what is going on that track? उसे थोड़ा सा खोला है कि जो उस लड़की से बात, मैं शराब नहीं पीना चाहता. नहीं उसमें यही कह रहा है, उसमें वो एक बात करता है कि मेरी माँ वो औरत छोड़ के चली है, छोटे बच्चे को भी शादी के बाद छोड़ के चली जाती है. नहीं वो तो वो हम जब वाहज का करने आएंगे मैं बात करूंगी उसी पे, बिकॉज आई फाउंड दैट अ लिटिल ऑड ऑल्सो, बट द स्टोरी इज नॉट ओपनिंग इन द स्क्रिप्ट.
राइटिंग पार्ट ऑफ इट इंग्लिश काम है बहुत. इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो स्टाइलाइज्ड एंड क्लीन लुकिंग. लाइट इज वेरी नाइस. टेक्निकली बहुत फ्रेम्स बड़े अच्छे हैं. लाइटिंग बहुत अच्छी है. खूबसूरत है. लेकिन स्टोरी में फ्लॉज हैं. अब पता नहीं डायरेक्टर ने कितना संभाला नहीं संभाला. वी डोंट नो बिकॉज यहाँ वो राइटिंग एंड डायरेक्शन में वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है. और ओवरऑल आई थिंक एक और मसला जो मैं नोट कर रही थी कॉमेंट्स पढ़ के ना, जब भी हम रिव्यू करते हैं इस ड्रामे को, कॉमेंट्स में एक बहुत ही वाजे क्लियर डिवाइड है बिटवीन खलील लाइकर्स एंड डिसलाइकर्स. यानी कि जो लोग नहीं उनको पसंद करते वो नहीं पसंद करते, उनके काम को नहीं पसंद करते, उनकी राइटिंग को नहीं पसंद करते, और जो लोग पसंद करते वो वाह वाह कर रहे होते हैं. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एवरी सेंस. बट ये है कि डायरेक्टर ने अपनी तरफ से अगर तो इसको संभाला हुआ है तो फ्रेम्स बड़े अच्छे बनाए, लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं, स्टोरी में इशूज़ हैं. वो वाहज वाला सीन दैट नादिया टॉक्ड अबाउट, शी इज़ राइट, मुझे भी बड़ा, बट व्हेन वी कम टू वाहज आई विल डिस्कस दैट फर्दर. बहुत सॉर्ट ऑफ एक ऑड सीन था वो. अच्छा सॉरी मैं कट कर रहा हूँ जी. एक डिस्कशन हुआ था, वो भी राइटिंग में, सॉरी डायरेक्शन में ही आएगा. वो मैं कमेंट्स में ही पढ़ रहा था कि एक पूरी डिबेट चल रही थी कमेंट में कि जो सीन था लास्ट एपिसोड में जब वो नहीं पढ़ पा रही थी अपना कि बच्चे को क्या हुआ रिपोर्ट, तो उसमें आपने ये दिखाया कि वो खातून अनपढ़ है. अब एक तो वो फर्स्ट चीज, और दूसरा जो है सबा हमीद का जो पर्सोना है वो कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो एक अनपढ़ खातून. बिल्कुल नहीं. अनपढ़ खातून बनने के लिए फिर आपको अनपढ़ लगना होता है. वो जिस तरह की उनके बाल बने हुए हैं, द काइंड ऑफ मेकअप शी इज वेयरिंग, द काइंड ऑफ क्लोथ शी इज वेयरिंग, वो कहीं से, वो तो एक अच्छी एक अपर मिडिल क्लास खानदान की पढ़ी लिखी खातून लग रही हैं, डिसेंट सी हैं जैसे वो बात करती हैं. तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि या तो ना वो सीन ही ना डालते. वही मैं कह रही हूँ, दिस इज व्हेन द राइटर फॉरगेट्स व्हाट ही इज रिटन एंड व्हाट नहीं. बट आई थिंक एवरीवन, डायरेक्शन में एक डायरेक्टर बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर का हाथ. अब अगेन वही वाली बात है ना, वो रोक रहा है, मना कर रहे हैं, क्या है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक दैट नाउ आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड टू ब्लेम खलील मोर, बिकॉज अब जब सेट पे होते हैं तो एक्टर्स भी अपना हिस्सा डालते हैं. तो आई डोंट थिंक वी शुड गिव दैट मच क्रेडिट टू खलील कि जी वो ये बिल्कुल ही कंट्रोल करके. देखिए सेट पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब हम होते हैं हम लोग अपने सीन्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, अपने कैरेक्टर्स को चेंज कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं हाउ टू डिवेलप एक्टर्स की भी जिम्मेदारी है. एक्टर्स की भी जिम्मेदारी है. इट्स नॉट जस्ट व्हाट्स रिटन ऑन पेपर. Actors have to also know what are they doing with their characters. I'm sorry, but if I was doing a Khaleel project, I would not be fluctuating. I'm sorry, I just wouldn't. लेकिन उन्होंने अपने खुद इंटरव्यू में कहा है कि मेरी लाइंस कोई नहीं बदल सकता. वो तो कहा है उन्होंने ना. वो तो खुद, क्योंकि इसीलिए हम लोगों के ज़हन में ये कि उन्होंने खुद बोली है. फिर वो आपकी मर्जी, आप देखिए सिचुएशन इतनी अहम नहीं होनी थी. देखिए वो सीन थोड़ा सा तब्दील हो जाता है जिसमें वो बिल्कुल होना जरूरी. वो हाथ से ले लेती फाइल की, अम्मी आप ना पढ़े. वो कहती मुझे क्यों नहीं पढ़ने दे रही. कहने में बहुत फर्क और करने में फर्क होता है. डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है जब वो सेट पे होते हैं. तो आप, मेरा मतलब है, देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ अदर डायरेक्टर्स दैट वर्क विद दिस राइटर आल्सो. The directors make their changes and they do their adaptations of the script as they wish, because उन्होंने अपनी पूरी कहानी निकालनी होती है. तो मुझे थोड़ा सा मसला ये हो रहा था कि कुछ चीज़ें बड़ी अजीब लग रही थी. बट ओवरऑल आई थिंक the director has given us a very nice clean looking frame. Yeah, वो तो उसमें तो कोई doubt नहीं है कि जो screen है वो beautiful, lighting is. तो regardless of the weakness in the script, regardless of the issues, आई एम लाइकिंग हर कैरेक्टर. मुझे अच्छी लग रही है मैं उसको. आई लाइक वॉचिंग हर. एक स्क्रीन प्रेजेंस है, वो स्क्रीन प्रेजेंस मुझे बड़ी अच्छी लग रही है उसकी. और आई थिंक इस कैरेक्टर में मार्जिन बहुत है आगे जाके, बिकॉज एक्चुअली अगर आप सोचें, शुरू में तो मैं लग रहा था कि वाहज की भी बहुत बड़ी कहानी होगी बिलाल अब्दुल्ला की. बट राइट नाउ एवरी थिंग इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मायाज शोल्डर्स, यू नो, बिकॉज इसी का एक है ट्रैक जो एक्चुअली मूव कर रहा है. यू नो, इट्स जस्ट दिस इज़ द स्टोरी दैट्स that we are following. और कोई कहानी तो है ही नहीं ना, बाकी तो सब fillers हो गए ना सारे. तो I feel कि she has a lot of potential आगे जाके, या आगे जाके और भी चीज़ें खुलेंगी इसके story में. But right now I'm enjoying her work and I like the way she's looking and feeling a lot. I'll give her an 8. मुझे भी फील हो रहा है कि जान तो एक्ट्रेस बहुत मार रहे हैं लेकिन वो कंटेंट ही नहीं है. वो जितनी मर्जी वो सिचुएशन बहुत ऑफ. काम है माँ के साथ जो सीन्स हैं, जो भाई के साथ सीन्स हैं, शी इज डीलिंग विद डिफरेंट पीपल ना. तो शी इज गॉट अ वेरी नाइस इमोशन मूविंग इन दोस सीन्स. महीना जी, अब इतनी परेशान हो गई. उठ जाओ. नो, आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ डज वन
एंड हैज़ बीन हैंडल्ड वेरी स्ट्रेंजली. आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ कि जी या तो एक प्रॉपर ड्रंकर्ड नजर आता हमें. Yeah, I mean, it just doesn't make sense. वो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी. वो एक दो एपिसोड में दिखाया, फिर वो इतनी उसकी लाइफस्टाइल को शराबी से शुरू होके शहरेज़ाद पे शहरेज़ाद के रास्ते से होता हुआ भूल गए. एक और लोकल शायद गिर गए. इंडियन इंडियन ड्रामा कथा आई थिंक उसका तस्करा करते हैं कि उसकी स्टोरी भी सेम लाइक बहुत सारी स्टोरीज मिक्स करके उन्होंने. सो कमिंग बैक टू माई रिव्यू, दे ऑलवेज डू दिस नादिया. Have you noticed? इनको फाइन करना चाहिए. What do we do with them? बस वो लोग भी कहते हैं कि why is it जब मैं बोल रही हूँ तो सबकी ओपिनियन साजिश हो जाती है. नहीं, मैं तो बोलती नहीं थी जी, ये साजिश है. These guys. अच्छा नहीं, चले let me get my thoughts back. तो बिलाल अब्दुल्ला, अब मसला ये है कि basically पहले दिन से problems थी इस character में, the way it was developed, the way it was performed. अब जाके इस एपिसोड में कुछ अजीब ही कुछ डिवेलपमेंट हुई. वो जब लड़की से बात कर रहा है एकदम से उसको कोई दौरा पड़ा है. Like, you know, when he turns around and he just, like, तुम ये क्या, I just said, ये क्या, किसी कीड़े ने काटा है इसको, क्या इसे हुआ क्या, एकदम से एक छलांग मारी है, है ना, no, weird expression and weird reaction. And तो what was Vahaj thinking, what was he doing? या तो दो different takes इसने दिए इस performance की और उन्होंने गलत edit पे जोड़ दिया है, because acting में तो मुझे समझ नहीं आई इतना ज़्यादा आप ये, I know what happened, नहीं देते, what? Withdrawals, alcohol छोड़ने के withdrawals. ऐसे भी भाई हो ही ना जाए, हो ही ना, ऐसे 15 सीन के बाद एक withdrawal हो गया. इससे ज़्यादा आपकी कीड़े वाली theory में sense है, है ना. हाँ, कुछ काटा है उसे, because एकदम से छलांग मार के पूछता है सवाल. But I just feel that it's a very confused performance from day one. And this episode, it was just shocking to see this scene, because मैंने कहा कि यार इतना एक actor जो इतना experienced actor है, इतना बड़ा नाम है, वो ऐसे अब्रप्ट नी जर्क रिएक्शन क्यों दे रहा है. इट लुक वेरी ऑड टू मी. एंड ओवरऑल कैरेक्टर भी रोल भी पता नहीं कहाँ जा रहा है, बिकॉज टोटली बिलाल तो अब्दुल्ला डायल्यूट हो चुका है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ स्टोरी एनी मोर. आई एम फॉलोइंग सदफ इन द फैमिली, यू नो. तो एनी वे आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड आई होप दैट इट इम्प्रूव्स एंड गेट्स बेटर फॉर वहाज सेक. बेसिकली आई विल गिव इट अ 5. ओके जॉब. I think after